मेरी तरफ देखो और एक नंबर के बारे में सोचो। तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, एंड जस्ट 21 योर कार्ड्स। यस, क्या लगता है ये कार्ड क्या हो सकता है या नहीं? ये तो लगता है हो सकता नहीं। हो गया। हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मैजिशियन नाजू और आज मेरे साथ है सुमन। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमन आज की इस वीडियो में। तो सुमन, तुम्हें कार्ड के बारे में पता है? पता है। ये कार्ड डे के अंदर कितना कार्ड्स होते हैं? 52 52 कार्ड्स होते हैं। मैं तुम्हें दिखा दूं, ऑल आर डिफरेंट। यस, ऑल आर डिफरेंट कार्ड्स, ऑल आर डिफरेंट कार्ड्स। मैं कैमरा पे भी दिखा दूं, गाइस देख सकते हो, ऑल आर डिफरेंट कार्ड्स हैं। कोई भी कार्ड सेम नहीं है, मैं कोई भी कार्ड सेम यूज नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखो, एक से लेकर 52 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बहुत सारे डिफरेंट नंबर होते हैं। तुम कोई भी नंबर के बारे में अपने दिमाग में सोच सकते हो। मेरी तरफ देखो और एक नंबर के बारे में सोचो, बताना नहीं है, सिर्फ सोचो। मेरी तरफ देखो और एक नंबर के बारे में सोचो अपने मन के अंदर। ओके, सोच लिया? सोच लिया। ओके गाइज, अभी मैजिक टाइम। तो मेरे पास है मेरे एक विजिटिंग कार्ड्स, पीछे साइड बिल्कुल ब्लैंक है, मेरे पास है पेन। ओके, नंबर के बारे में सोचो। सोच लिया। ओके गुड्स। सो एक्चुअली फर्स्ट टाइम आज मैं सुमन के साथ मैजिक कर रहा हूँ। यस सुमन। यस। इससे पहले कभी तो तुम्हें मैंने फेस टू फेस मैजिक नहीं दिखाया। यस। तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बट एक्चुअली चलो मैंने कर लिया है और ये तुम्हारे लिए है। ओके, तुमने कौन नंबर सोच लिया ना? मुझे बताया अभी तक? नहीं बताया। ओके गाइस, आपने देखा होगा कोई भी नंबर के बारे में मुझे सुमन ने नहीं बताया। ये सुमन तुम्हारे लिए एक प्रेडिक्शन मैंने बनाया और ये तुम कहीं पर भी सीक्रेट जगह पर रख सकते हो ताकि कोई भी बाहर ना कर पाए, किसी को पता ना चले तुम कहाँ रख रहे हो। ठीक है, सेव। ओके सुमन, अब फर्स्ट टाइम तुम मुझे बताओगे तुम्हारा नंबर कितना था? जो नंबर तुमने सोचा है वो नंबर के बारे में बताओगे? 21। अमेजिंग गाइस, अगर मैं कहूं कि ये नंबर के साथ मेरा मैजिक का बहुत अच्छा रिलेशन है तो आप नहीं विश्वास करेंगे, बट एक्चुअली मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। ओके, जस्ट मेरे साथ गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यार 90 का ईयर्स। 21। ओके ओके, एंड 20 and just 21 your cards, yes? This is 21 card. Okay? So, अब ये card कौन सा है? तुम्हें नहीं पता? हमें भी नहीं पता. But actually, देखा जाए तो ये card कौन सा है सबसे पहले देख ले. Yes? Okay, सबसे पहले हम card नहीं देखते हैं. तुम्हें कुछ prediction मैंने किया, देख लो वो क्या है. क्या लिखा है उसमें? Three of hearts. Hearts. Okay? Guys, मैंने predict किया था इसमें three of hearts. अगर मैं कहूँ कि ये कार्ड थ्री ऑफ हार्ट्स है तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। यस। तो देखते हैं, दिस इज, तुम्हें क्या लगता है ये कार्ड क्या हो सकता है या नहीं? ये तो लगता है हो सकता नहीं। हो गया। तो गाइस देख सकते हो, दिस इज थ्री ऑफ हार्ट्स और मैंने पहले से प्रेडिक्ट करके रखा था कि नेक्स्ट कार्ड यानी कि जो 21 पोजीशन में जो भी कार्ड होगा वो थ्री ऑफ हार्ट्स होगा। और पहले भी मुझे तुमने नहीं बताया था कि 21 पोजीशन है ताकि मैं सोच पाऊं कि 21 पोजीशन में ये कार्ड्स हैं। तो मैंने पहले से लिख के तुम्हें दे दिया था और फिर मैंने तुम्हें पूछा कि वो नंबर कितना है और फिर ये कार्ड बाहर आया, दिस इज थ्री ऑफ हार्ट्स। गाइस दिस इज माय मैजिक। तो कैसा लगा यार वो तो आप कमेंट में लिख के बताओगे और अगर पसंद आया तो एक लाइक कंप्लीट करो। तो अगर आपको ये मैजिक सीखना है तो यार मैं आशा करता हूं इस वीडियो में आप 3000 लाइक पूरा कर देंगे। तो 3000 लाइक अगर आप कंप्लीट करते हो तो इस ट्रिक को मैं अपने चैनल पर सिखाऊंगा। तो सुमन भी लाइक कर देना ताकि एक लाइक वोट आ जाए। ओके, तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग लाइक कंप्लीट करो।